हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर मैथ का 2018 एंड 19, सेट 1, सेट 2, सेट 3, हम तीनों को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड, मैं सेट 3 को सॉल्व कर रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 22 आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सेट 3 में जो क्वेश्चन सेट 1 और 2 के मैच कर रहे हैं, हम वो भी साथ साथ बता रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, फिर मैं उसको भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसको भी सॉल्व कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का मेरे को एरिया बताना है, जिसमें ए बी सी डी मेरी क्या है, रेक्टेंगल जिसकी साइड दे रखी है ये 8 है लेंथ, ब्रेथ 6, ओ इसका सेंटर है, और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। ठीक है फ्रेंड, 3.14 लेते हुए इसका एरिया बताना है, शेडेड एरिया का। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड मैं बता दूँ कि ये मेरा एक तरीके से ये मेरा है सर्कल, मेरा सर्कल हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, ये मेरी रेक्टेंगल बनी है कुछ ऐसी, इसका नाम है डी सी बी ए, सेंटर का नाम ओ, ये मेरी 8 सेंटीमीटर, ये मेरी 6 सेंटीमीटर, और हमें ये वाला एरिया बताना है, ये शेडेड एरिया कितना होगा। तो फ्रेंड, इसमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, अगर सर्कल में से रेक्टेंगल को माइनस कर दिया जाए तो मेरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। बट दिक्कत ये है, इस सर्कल की मेरे को रेडियस मालूम नहीं है, ठीक है। बट हम एक लॉजिक यूज़ करेंगे, क्या जो ये रेक्टेंगल है इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। इसकी जो ये लेंथ है वो कितनी है, 8, ये कितनी है, 6। तो इस राइट ट्रायंगल की जो AC है वो क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज, और जो AC है वो इस सर्कल का कोण है, डायमीटर है, ठीक है। तो मैं पाइथागोरस लगा के AC निकाल दूंगा, डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर देंगे, मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल यानी कि मेरी जो आयत है ABCD, जिसमें यानी कि लेंथ CD मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर, AD दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसी राइट एंगल में, ये मेरा कुछ इस तरीके से है ABC, ये 8 है और ये 6 है राइट एंगल, मैं लिखा है ना ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADC में 90 डिग्री के सामने वाली कौन होती है, हाइपोटेन्यूज, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। अब AC कितनी है मालूम नहीं, AD है मेरी 6, CD है 8, 6 6 36, 8 को से मल्टीप्लाई किया 64। अब फ्रेंड इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, रूट, दोनों को प्लस किया कितना आया 100, 100 का रूट कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। जो इस रेक्टेंगल का डायगनल है वो इस सर्कल का कौन है, डायमीटर है। तो मैं लिखूँगा डायगनल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, सॉरी, डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि वृत्त का व्यास बराबर है आयत के विकर्ण के, आयत का विकर्ण। तो ये डायगनल मेरे निकल गया कितना है, 10 आया, अभी मेरा कौन आ गया डायमीटर। अगर मेरे पास डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकालने के लिए 2 का डिवाइड करो, ये मेरी आ गई रेडियस, ठीक है। अब मेरे को शेडेड एरिया चाहिए, शेडेड पार्ट यानी कि छायांकित भाग, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा सर्कल का, ब्रेथ का, और माइनस कर दूंगा रेक्टेंगल ABCD, छायांकित भाग आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर, आर कितना निकाला 5, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 6, ठीक है फ्रेंड। तो मैं तीनों को, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 5 25 25 को मल्टीप्लाई करूँगा 3.14 से, तो क्या आ जाएगा 78.5, 8 6 48। अब 78.5 में से माइनस करूँगा 48, तो आ जाएगा 30.5
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे इसका शेयर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं और फ्रेंड इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर में मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।